अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी विदेश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट किस तरह से सहायक है? ये एक व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान दिलाता है। यह किसी देश में किस अधिकारी के आदेश पर जारी किया जाता है? ये उच्च अधिकारी। भारत में किसके आदेश पर किस व्यक्ति के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है? राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में पासपोर्ट का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इज अ मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पासपोर्ट पर किस तरह का अधिकार होता है? किसका अधिकार? गवर्नमेंट का। सरकार के पास पासपोर्ट से संबंधित किस प्रकार का अधिकार होता है? पासपोर्ट को सरकार किसी भी टाइम कैंसिल कर सकती है। पासपोर्ट पर किसका पूर्ण अधिकार होता है? गवर्नमेंट का। पासपोर्ट के साथ क्या नहीं किया जा सकता है? किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट किस प्रकार का दस्तावेज है? इट इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट को किस प्रकार रखा जाना चाहिए? इट शुड कीप वेरी केयरफुली। भारतीय पासपोर्ट में दी गई सारी जानकारी किस भाषा में दी गई होती है? हिंदी और इंग्लिश में। पासपोर्ट में व्यक्तिगत जानकारी कहाँ दी गई है? पासपोर्ट में व्यक्तिगत जानकारी फ्रंट पेज और बैक पेज दी गई है। सामने तथा कवर पेज पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसे लैमिनेट किया जाता है। सामने वाले कवर पेज पर कौन कौन सी जानकारी दी गई होगी? फोटो सिग्नेचर पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, सरनेम, फर्स्ट नेम, वेयर द पैसेंजर बोर्न और डेट ऑफ बर्थ, वेयर द पासपोर्ट इज इशू और वेयर द पासपोर्ट इज कैंसिल और डेट कहाँ पर जारी हुआ। पासपोर्ट के आखिरी वाले कवर पेज पर कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है? पासपोर्ट के आखिरी वाले पेज में फादर नेम, मदर नेम, पति पत्नी का नाम, एड्रेस और फाइल नंबर। देश का प्रतीक कहाँ प्रदर्शित होता है? हर देश का प्रतीक सामने के कवर के केंद्र में प्रदर्शित होता है। देश के प्रतीक के ऊपर कौन सा शब्द अंकित होता है? पासपोर्ट। देश के प्रतीक के नीचे क्या अंकित होता है? देश के प्रतीक के नीचे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट में कितने पेज होते हैं? पासपोर्ट में 36 पेज होते हैं। अक्सर यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने पेजेस वाले पासपोर्ट का मांग कर सकता है? 60 पेजेस वाला पासपोर्ट किसको जारी किया? अक्सर यात्रा करते हैं। पासपोर्ट आमतौर पर कितने साल के लिए मान्य होता है? ये 5 से 10 साल के लिए मान्य होता है। पासपोर्ट किन किन देशों के लिए मान्य होता है? पासपोर्ट सभी देशों के लिए मान्य होता है जब तक उनके मतलब के साथ छेड़खानी न रहे, अब बात के साथ छेड़खानी न रहे। यात्रा के दौरान पासपोर्ट की वैधता कितनी होनी चाहिए? यात्रा के दौरान पासपोर्ट की वैधता 6 महीने होनी चाहिए। कितनी उम्र के बच्चों को आमतौर पर अपने नाम पर जारी वैध पासपोर्ट रखने की आवश्यकता है? 16 वर्ष से या उससे अधिक। पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं? पासपोर्ट 5 तरह के होते हैं। ऑफिशियल दोनों पासपोर्ट, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, चिल्ड्रन आइडेंटिटी कार्ड, एलियन पासपोर्ट। सामान्य पासपोर्ट किन लोगों के लिए जारी किया जाता है? जो लोग देश के नागरिक हैं। सामान्य पासपोर्ट का बाहरी कवरेज किस रंग का होता है? ब्लू। सामान्य पासपोर्ट जारी करते समय कितने पेजेस होते हैं? 36। सामान्य पासपोर्ट कितने साल के लिए मान्य होता है? सामान्य पासपोर्ट कितने साल के लिए मान्य होता है? 10 साल के लिए मान्य होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का बाहरी कवर पेज किस रंग का होता है? ये ब्राउनिश रेड। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैधता कितनी होती है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की हर देश में अलग अलग होती है। ऑफिशियल पासपोर्ट किन को जारी किया जाता है? जो लोग सरकारी काम करते हुए सरकारी स्तर पर जाते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट का कवर पेज किस रंग का होता है? वाइट स्क्वायर। ऑफिशियल पासपोर्ट की वैधता कितने साल की होती है? ऑफिशियल की भी हर एक देश हर मामले में अभिन्न होती है। चिल्ड्रंस आइडेंटिटी कार्ड किन्हें जारी किया जाता है? चिल्ड्रेन आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जो क्या बोलते हैं जो 18 साल मतलब 16 साल से कम है उनके। कुछ देशों द्वारा जारी किए गए चिल्ड्रेन आइडेंटिटी कार्ड क्या सभी देशों के लिए स्वीकार्य है? नहीं। लेजिस पासपोर्ट क्या होता है? लेजिस इसमें दो से ज़्यादा लेजिस पासपोर्ट क्या होता है? एक या लेजिस पासपोर्ट है ज्वाइंट पासपोर्ट क्या होता है? जो रिफ्यूजी स्टेट लोग होते हैं उसको पास होता है। ज्वाइंट पासपोर्ट क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग जो यात्रा करते हैं उसे ले जाते हैं। ज्वाइंट पासपोर्ट कौन प्राप्त